कर रहे हैं ना बिच बजाले नहीं बजानी वीरे ठीक है हाँ तो भाई हिसार वासियों कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैंने तो यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर मीन्स पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में जहाँ पर चल रहा है ट्रेड फेयर, और एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आप सबके बीच में आई हूँ कि जो ट्रेड फेयर अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर बंद होने वाला था उसको एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। जी हाँ, 4 तारीख तक अभी ट्रेड फेयर जो है इसी तरह से लगे रहने वाला है। और अगर आज की मैं बात करूँ, जिस तरह से अगर पूरा टाइम जब से ट्रेड फेयर यहाँ पर लगा हुआ है, हर एक फंक्शन, चाहे वो जन्माष्टमी बीच में गया है, चाहे वो रक्षाबंधन गया है, चाहे वो 15 अगस्त गया है, हर एक फंक्शन को यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। लेकिन आज की मैं बात करूँ तो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आज आई थी रीना भट्टी। जी हाँ, जिन्होंने रशिया में स्थित माउंट एल्ब्रुस को 15 अगस्त के दिन फतेह किया था। पूरे इंडिया में तो जब 15 अगस्त के दिन हर घर में तिरंगा लहराया ही था, उन्होंने जो है रशिया में जाकर के अपना तिरंगा लहराया था। तो आज चीफ गेस्ट के रूप में वो आए और साथ के साथ बहुत सारी जो है धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई है। तो चलिए आपको सारी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, कितना क्राउड यहाँ पर आया वो भी दिखाएंगे, किस तरह की मस्ती जो है लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे, और साथ के साथ जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है रीना भट्टी उनसे भी बात करेंगे और उनका क्या कहना है इस ट्रेड फेयर को लेकर के। और एक और बात, एक स्पेशल परफॉर्मेंस यहाँ पर आज हुई है, एक बाहर एक स्पेशल जो ग्रुप यहाँ पर आया है, तो वो भी आप परफॉर्मेंस देखिए। तो चलिए आपको लेकर के चलती हूँ ट्रेड फेयर के अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, रीना भट्टी, जोरदार तालियां। कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली कि देश का नाम रोशन करना है? और माउंट एल्ब्रुस जो आप पहली लेडी हो जैसा कि मैंने सुना है। बिल्कुल सर, तो मैं आपकी इंस्पिरेशन जानना। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी कि जब हम आज़ादी महोत्सव मना रहे थे ट्रेड फेयर में मौजूद हैं, और जो हस्ती जो शख्सियत अभी मेरे साथ है उनको आज के समय में पूरा हिसार ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा और पूरा भारत ही जानता है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। जी हाँ, 15 अगस्त के दिन जहां पर हर किसी ने अपने घर के अंदर झंडा लहराया, वहां पर रीना भट्टी जी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने भारत में तो लहराना ही था, उन्होंने दूसरे देश में जाकर भी अपना झंडा लहराया था, वो भी 15 अगस्त के दिन। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ पर ट्रेड फेयर में आए हैं एज ए चीफ गेस्ट, तो कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर में? अच्छा लग रहा है, अपने सिटी के लोगों से ऐसे मिलना तो मेरे लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ऐसे मतलब पहले तो हम नॉर्मल ऐसे एज ए क्लाइंट और वो सब आते थे, बट ऐसे प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पर आकर के आपको मोमेंटो दे करके मतलब आपको सम्मानित भी किया गया है, तो वो प्राउड कितना फील हो रहा है अपने ऊपर? देखो कि जब आप कुछ करते हो ना और उसके बाद आपको ऐसे सम्मानित किया जाता है, और वो भी जब मैं देश की पहली ऐसी लड़की हूँ और मुझे अपनी सिटी से इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो ये मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक अपने सिटी की बेटी नहीं हूँ, अब पूरे देश की बेटी बनूंगी जो इतना मुझे प्यार मिल रहा है सबका। मैम, वैसे कि मतलब अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, जैसे आपके एज ग्रुप की या फिर जितनी भी लड़कियां हैं जो अपना टाइम जो है इधर उधर बहुत वेस्ट करती हैं, जैसे सोशल मीडिया पे हो गया या फिर मेकअप के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर, हेयर्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर
हर बच्चे का अपना एक फील्ड है, उनको इंटरेस्ट किस में आता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं सोचती हूँ कि अगर आप देश के लिए आपके अंदर कुछ भी अगर कुछ जज्बा है तो एटलीस्ट ये सोशल मीडिया से थोड़ा सा हटके अपने फिटनेस पे ध्यान दे और ऐसा कुछ सर्च करे जिससे अपने देश का नाम रोशन कर सके। क्योंकि अगर मैं आज के टाइम में देखूँ तो यूथ कहीं ना कहीं नशे की साइड जा रहा है या फिर ये सोशल जो एडिक्शन है इंस्टाग्राम फेसबुक इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एटलीस्ट बुक किताबें जो हैं वो बहुत अच्छा साथी माना जाता है, तो बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ फेसबुक से या फिर ऑनलाइन आपको ऐसा कुछ कंटेंट मिले। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में या फिर अपना घर पर कोई बुजुर्ग लोग हैं, हमारी दादी है नानी है, तो उनके साथ अगर टाइम स्पेंड किया जाए तो बहुत सारे ऐसे वे हैं जो अच्छे टाइम से यूटिलाइज किया जा सकता है और अपने संस्कारों को जो हम भूलते जा रहे हैं एटलीस्ट उनका थोड़ा ध्यान रखा जाए और ऐसा कुछ करें जिससे देश के लिए कुछ हो। माउंट एल्ब्रुस को फतेह करके आप इंडिया की पहली ऐसी लड़की तो बन गई, आने वाले समय में और क्या क्या है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं? माउंट एल्ब्रुस करने के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं पहली देश की ऐसी लड़की बन जाऊंगी, बट एटलीस्ट मेरे अंदर वो हमेशा एक वो होती थी कि मैं देश के लिए शायद कुछ कर पाऊँ। तो उसका 1% मैंने कुछ किया है अभी और नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है माउंट एवरेस्ट या फिर उसके साथ में कुछ ऐसा करके जिससे मैं अपने रियली में मुझे खुद को फील हो कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है, तो ऐसा मैं कुछ टारगेट लेके। हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगी कि एटलीस्ट जो भी आप कर रहे हैं जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें, क्योंकि आज के टाइम का अगर मैं यूथ देखूँ तो पेशेंस नाम का जो वर्ड है ना वो यूथ से हटता जा रहा है। अगर एक चीज़ में आपको मेहनत नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट पेशेंस के साथ उस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि उसमें क्या कमी है और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि इधर उधर मतलब फील्ड चेंज करते रहें। तो कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें और अपना आगे बढ़ते रहें और ऐसा कुछ करें जिसे अपने माँ बाप को देश को प्रदेश को आप पे नाज हो। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ रीना भट्टी, जो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो हर किसी के लिए हर एज ग्रुप के लिए एक इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो आप लोगों को कैसा लगा इनके साथ मिलके, भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखते रहिए। मैम हिसार में वैसे तो थोड़े थोड़े टाइम में ट्रेड फेयर लगता ही रहता है, लेकिन इस बार जो ट्रेड फेयर लगा आपको कैसा लग रहा है? इधर इस बार ट्रेड फेयर जैसे बहुत अच्छा लगा है और इस बार बच्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ तो पहले से गर्मी कम हो रखी है और जैसे थोड़ी सी भीड़ भी ज़्यादा होती है इस टाइम में, ज़्यादा लोग आते हैं तो ज़्यादा में थोड़ा सा और मन लगता है। और स्टेज वाला भी अच्छा कर रखा है इस टाइम सिस्टम, अब की बार स्टेज पे भी बहुत बच्चे जैसे खुश होकर आ रहे हैं। आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये? तो सारी चीज़ें वैसे तो अच्छी हैं, बल्कि स्टेज पे जो डांस अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था वो बहुत अच्छा था, झूले वगैरह सारे ही अच्छे हैं सारे। आपने झूले झूले? झूलती हूँ बट आज नहीं झूल रही। वैसे जितने भी खतरनाक झूले हैं उन सब पे झूल लेते हैं? हाँ हाँ सारों पे झूल लेते हैं, झूले अच्छे हैं वैसे सारे। शॉपिंग वगैरह किया नहीं की? शॉपिंग के साइड अभी जाएंगे, पहले झूले कर लेते हैं। अच्छा, बच्चे हम पहले कह रहे हैं झूले करेंगे और बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए हमारे व्यूवर्स को एक बार इन्वाइट भी कर दीजिए। ओके, इन्वाइट कैसे? ट्रेड फेयर लगा हुआ है और आप सब वहाँ। अच्छा अच्छा, हेलो गाइस, ट्रेड फेयर लगा हुआ है इस बार में, आप सब देखने आओ तो बहुत अच्छा है। इस बार सबसे अच्छा लगा है इस बार झूले वगैरह सारे, और पहले से सस्ते भी हैं अच्छे भी हैं, और आप एक बार आके जरूर देखना इसमें, बहुत अच्छा ट्रेड फेयर है पर पहले से बहुत अच्छा है। चलिए थैंक यू सो मच। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से अगर मैं आज की बात करूँ तो आज यहाँ पर चीफ गेस्ट बन के आई थी रीना भट्टी, तो कैसा लगा उनको यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर देख? बेटा बहुत ही अच्छा लगा, ये तो अपने देश का गौरव है, ऐसी बच्ची आगे बढ़ेगी और हमारे मेले की शोभा बढ़ाएंगे। बेटा इतना अच्छा महसूस हो रहा है, उस बच्ची को इतना अच्छा लगा, पहली बार ऐसा महसूस है हिसार की जनता का इतना हमें प्यार मिला है पहली बार। और ख़ास तौर पे आर एस रहने वाले रमेश जी, हमारे से कंधे, उनकी पूरी टीम कंधे से कंधा मिला के हमारे से चल रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और उसमें ख़ास तौर पर पुलिस प्रशासन का, जो हमारे SSO साहब हैं धोनी चंद जी, विनोद जी, पूरा पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत। वो लोग भी आए अपनी फैमिली के साथ आए,
उन्होंने मुझसे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चले हैं, इस हमारे मेले को चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन का। सर, जिस तरह से थोड़े थोड़े टाइम में यहाँ पर ट्रेड फेयर लगते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं देखूं कि लगातार जितनी बार भी मैं यहाँ पर आई हूँ कवरेज के लिए, इसी तरह से मतलब यहाँ पर पैर तक रखने की जगह नहीं मिलती, तो कितनी खुशी होती है लोगों का इतना प्यार। मैं कहूँ 17 साल हो गए हमारे को लगाते हुए, लेकिन जो प्यार हिसार की जनता का इस बार मिला है, बस कहने को शब्द नहीं है। 15 अगस्त देखा हमने, पूरा ग्राउंड तिरंगे से भरा हुआ था। खासतौर पर बजरंग दल के सदस्यों ने हमारा पूरा सहयोग दिया, धन्यवाद दिए बजरंग दल वाले, उन्होंने हमारे यहाँ चार चार तिरंगा तिरंगा कर दिया था। उसके बाद राखी, बहन भाइयों का त्यौहार, भांजे मामे सब आए हुए थे, बड़ा मज़ा आया, बहुत आनंद महसूस किया। उसके बाद जन्माष्टमी, कृष्ण जी का मेन त्यौहार, मैं को पैर रखने की जगह नहीं थी ग्राउंड के ऊपर। इतना हिसार की जनता ने इतना प्यार दिया, पहली बार तय दिल से उनका स्वागत। आगे भी आए हमारे मेले के, 4 तारीख तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। प्यार देते आए हैं, उनका और प्यार मिले, बस तय दिल से उनका बहुत बहुत, जो हमने उनसे हमने गुजारिश करी थी, उन्होंने हमारी मान रखा, हमारा गौरव बढ़ाया, भाई सारी की जनता से तय दिल से स्वागत है। जिस तरह से अभी अगर मैं स्टेज की बात करूँ तो धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती है जब भी यहाँ पर आते हैं, तो कोई और नया कोई सरप्राइज जो है हिसार की जनता के लिए आप लेके आने वाले हैं या फिर इसी तरह से ओपन चलेगा सब? नहीं, इस बार हमने कलाकार नहीं बुलाया, इस बार हमने टैलेंट दिखाया बच्चों का। भाई अपने बच्चों को लोग टैलेंट देखें, उसमें आप जब बच्चों को टैलेंट मिलता है, पेरेंट्स खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, पारिवारिक हैं, दोस्त हैं, आप लोगों आम जनता के लिए खुला हुआ है ये हमने मंच दिया पूरे हिसार को। अपने बच्चों को टैलेंट दिखाओ, उसके बाद हमने इनाम रखे हुए हैं, जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उनके लिए हमने इनाम रखे हुए हैं, वो भी बांटेंगे हम। चलिए, एक बार सभी को इनवाइट भी कर लीजिए सर, 4 तारीख तक का अभी समय बाकी है, तो एक बार सबको बता और दीजिए। भाई जो भी फैमिली रह गई है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत उनका स्वागत है, आइए अपने बच्चों के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी स्टालें, अच्छे झूले, अच्छा खाना पीना, अच्छी शॉपिंग, बढ़िया बड़ी दुकानें और डिस्काउंट पे, उनको यहाँ के बहुत अच्छा लगा। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, और यही वक्त है आज के बिजी लाइफ में, ना टाइम ही नहीं है किसी के पास, ये अपने शहर के अंदर रह के एक एंजॉय का मौका है, जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कैसा लग रहा है इस बार ट्रेड फेयर में आके? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हिसार से। हिसार के कौन से एरिया से? जवाहर नगर से। अच्छा, आज मतलब वैसे तो लगे हुए काफी दिन हो चुके हैं ट्रेड फेयर को, तो आज ही मौका कैसे लगा या फिर आज ही समय दिया गया आपको? आज ही समय मिला है, संडे का दिन, छुट्टी का दिन टाइम मिला है। संडे तो काफी निकल गए। नहीं, और ही दिन टाइम कौन था नहीं। अच्छा, चलिए, कैसा लग रहा है फिर ट्रेड फेयर में, क्या चीज जो सबसे अच्छी लगी आपको? वो बड़े वाला झूला अच्छा लगा। झूले या नहीं झूले? झूले है। झूले? डर नहीं लगा आपको? क्या बात है, डर नहीं लगा। मैम आपको कैसा लगा ट्रेड फेयर? मेरे को तो बहुत डर लग गया। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत मजे आए इस बार, पहले से अच्छा है। अच्छा, क्या चीज है जो पहले से अच्छी है? पहले से ये जाइंट व्हील तो उतना ही हाइट है, अगर थोड़ी और ऊपर होती तो अच्छा लगता। पहले से मतलब लोग भी ज्यादा है और अच्छा है। अच्छा, शॉपिंग की या नहीं की? शॉपिंग अभी नहीं की। अच्छा, पॉकेट ढीली नहीं कराई? अभी तो झूले ही झूले अभी आए ही है बिल्कुल। अच्छा, चलिए सर, आपको कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा, खर्चा ज्यादा लग गया। ज्यादा लग रहा है सर, एक बात बताइए, हर रोज लेकर के जाते हैं? नहीं, ज्यादा खर्चा करवा देते हैं, अभी ये पूरा बड़ा फैमिली है, खर्चा ज्यादा हो गया इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं लगा। भाई मैम एक बात बताइए, आपने इतना खर्चा क्यों करवा दिया सर का कि वो दोबारा आपको लेके ही ना आए फिर कहीं पर? खर्चा वैसे जी, फैमिली को आप लेकर के बाहर आते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत तो खर्चा करना, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। नहीं मैडम, आज वीकेंड में पूरा फैमिली साथ में टाइम बिताया, बड़ा अच्छा लगा है, सब बच्चे एंटरटेनमेंट किया है, काफी दिन बाद सब बच्चों का छुट्टी है, मेरा भी छुट्टी है, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं कंपनी में जॉब करता हूँ मैडम, हिसार में ही फर्टिलाइजर कंपनी में जॉब करता हूँ, तो आज बच्चे खुश है, पूरा फैमिली खुश है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो अगर मैं बात करूँ वीकेंड की, तो एक वीकेंड ही ऐसा होता है जहाँ पर बच्चों को फैमिली को टाइम दिया जाता है, और ऐसे में भी अगर आप लोग कंजूसी करेंगे तो भाई ये तो गलत बात है। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। सर कैसा लगा झूला झूल के? बहुत डर लग रहा था। डर लग रहा था मैम, कैसा लगा झूला? चक्कर चढ़ गया। चक्कर आ गिरे तो नहीं ना? कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया था। डर नहीं लगा आप लोगों को? स्पीड कम थी। स्पीड कम थी ये? भाई क्या बात है, इतने भी डेयरिंग लोग हैं यहाँ पर कि स्पीड कम थी। कैसा लगा झूला झूल के? बहुत डरावना था, बहुत घुमाने वाला था, मेरा सिर घूम रहा है। सिर घूम गया? वॉमिट तो नहीं आई? नहीं आई, इतनी भी डरपोक नहीं हो। अच्छा, तो और कौन कौन से झूले झूलने वाले? सारे।
सारे झूले? शिव को छोड़ के सारे। अच्छा चलिए, शिवम कैसा लगा झूला? वेरी, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ज्यादा डर लग रहा था वैसे शुरुआत में, लेकिन बाद में डर खुल गया था। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा झूला झूलने वाले? अब तो देख रहे हैं, वैसे अब तक तो कोई पूरा चॉइस नहीं हुई है, बाकी पापा भी डिपेंड है। आपको कौन सा झूला झूलना है? अब तो बोट वाला झूल, बोट वाला झूलोगे? और इसमें कितना डर लगा? डर तो नहीं लगा, बहुत अच्छा, मजे आए, मजे आए। अच्छा, अब बोट वाले में डर लगेगा या नहीं लगेगा? वो तो देखेंगे। देखेंगे। कैसा लगा झूला झूल के? मजा आया, डर नहीं लगा? उम्र क्या है आपकी? 12 साल। 12 साल के तो डर नहीं लगा आपको बिल्कुल भी? इतना झूला जो है ऊपर नीचे जा रहा था, थोड़ा सा लगा शुरू में बस, उसके बाद नहीं डर लगा? नो। अच्छा, वैसे ट्रेड फेयर कैसा लगा? मजा आया, मजा अच्छा लगा। और कौन सा झूला आपने झूला है जो अभी तक? मैंने एक ये और एक ये, तीन झूले। मतलब जो सबसे खतरनाक झूले थे वो आपने झूले, लेकिन फिर भी डर नहीं लगा आपको? एक और आ गया खतरनाक वाला। अच्छा, वो चांद सितारा, वो झूल के उसमें भी डर नहीं लगेगा? पक्की बात है? यस मैम। अगर उसमें डर लगा तो नहीं लगेगा? चलो शर्त लगाते हैं, आपको डर लगेगा या नहीं लगेगा? नो, नहीं लगेगा। चलो भाई, इतना छोटा सा ये बच्चा है, इसको तो डर लगा नहीं, और बाकी जो बड़े बड़े हैं मैंने सबको वही चिल्लाते हुए देखा है कि रुकवाने के लिए उनको देखा, और ये एक 12 साल का लड़का जिसको डर नहीं लगा, शर्त लगा के गया कि उसको डर नहीं लगेगा, सभी झूले झूलेगा वो। संजय सर, कैसा लग रहा है? लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ट्रेड फेयर को, अगर जब जब भी मैं आती हूँ तब तक मैं देखती हूँ भीड़ जो है इसी तरह से मिलती है इधर। ये सब हिसार वैसे हमारे प्रति प्यार है, हमने जो सोचा था, जो हमने प्लान करा वो हमने करके दिखाया है, बाकी भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे नया करें, जिससे हिसार वैसे ऐसे प्यार हमें दिन रात मिलते रहे। इसी को देखते हुए हमने इसको एक हफ्ता आगे एक्सटेंड भी करा है, 4 तारीख तक हम इस मेले को चलाएंगे, और ऐसे प्यार मिलता रहा तो उसको और भी आगे करने का प्लान बनाएंगे। सबसे ज़्यादा चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करें? सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपको हमने पहले भी बताया था, जैसे सेल्फी पॉइंट बनाया हमने, ये बहुत काफ़ी मेले का आकर्षण केंद्र है, जितने भी आ रहे हैं सब यहाँ पे फोटो वगैरह ले रहे हैं, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, जिससे हमारी काफ़ी इसका प्रचार हुआ हमारे मेले का, जो हमने सोचा था वो सक्सेस हुई मेरी चीज़। जिस तरह से ओपन यहाँ पर जो है स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंसेज चल रही है, कोई कॉम्पिटिशन वगैरह भी आप करवा रहे हैं? कॉम्पिटिशन तो ऐसे मैडम कुछ नहीं है, ऐसे है देखो, स्टेज सबके लिए बनी हुई है, जो आए अपना आके अपना हुनर दिखाए। अभी आपने देखा था ADC ग्रुप आया था, उन्हें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और हमें बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही अपना रीना भाटी आए थे, उनको भी हमने यहाँ पे सम्मानित करा, भी उन्होंने देश का काफ़ी नाम रोशन किया है, और तिरंगे के प्रति उन्होंने काफ़ी अच्छा संदेश दिया, जो हमें बहुत सुन के बहुत अच्छा भी लगा है। जिस तरह से हर बार अगर ट्रेड फेयर की बात करूँ, कोई ना कोई सेलिब्रिटी या कोई ना कोई पॉलिटिशियन यहाँ पर आते रहते हैं, क्या आपने इस ट्रेड फेयर में भी किसी को आप बुलाने वाले हैं? हमारे यहाँ पे हैं विक्रांत धमीजा जी हैं, जो अपने यहाँ पे अपना लेबर मिनिस्ट्री के अंदर, उनको चेयरमैन का पद है उनके पास, उन भाई का भी हमारे साथ बड़ा साथ रहा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट किया हमने। भाई अगर हिसार वासियों की बात करूं मैं, एक खास बात आप सबके बीच में ज़रूर है कि यहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम में ट्रेड फेयर लगता रहता है, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो चीज़ होती है उससे बहुत जल्दी जो है मन उब जाता है, लेकिन अगर ट्रेड फेयर की बात करो तो हर महीने 2 महीने में ट्रेड फेयर जो है इसी जगह पे लगता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है क्राउड उसी तरह से बना हुआ है, उतना ही प्यार जो है लोग हर बार ट्रेड फेयर को देते हैं। इस बार कितना क्राउड आया, कितनी मस्ती धमाल यहाँ पर हो रही है, हर एक चीज़ हम आपको लगातार जो है थोड़े थोड़े टाइम में यहाँ की कवरेज करते हैं, और हर चीज़ आपको दिखाते हैं, किस तरह की यहाँ पर जो है स्टॉल्स लगी हुई है, किस तरह के यहाँ पर झूले लगे हुए, और सेल्फी पॉइंट की बात करो तो आप देख सकते हैं, एक सेल्फी पॉइंट तो मेरे पीछे भी है भाई, विंग्स बने हुए, जल्दी से आइए और जल्दी से विंग्स लगा करके यहाँ पर अपनी सेल्फी क्लिक कीजिए। आई लव हिसार का यहाँ पर जो है सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, और जहाँ पर जो आपको सुनाई दे रहा होगा पीछे से जो म्यूजिक आ रहा है, ये स्टेज भी आप सबका इंतजार कर रहा है, जिसके पास जो भी टैलेंट है वो यहाँ पर आ करके अपना टैलेंट भी दिखा सकता है। तो भाई कैसी लगी वीडियो, साथ के साथ शेयर भी करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए, और कैसा लग रहा है इस बार का ट्रेड फेयर आपको ये भी बताइए।